बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिसबा और मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मिस ब्रेन ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और आपका दिन नहायत ही खुशगवार गुजर रहा होगा और ज़िंदगी के ये पल जो हैं वो गुज़रते जा रहे हैं। एक साल गुज़रता है तो हमने उम्मीद के साथ जो है वो अपने न्यू ईयर का आगाज़ करते हैं कि अब हम अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे हम जो है वो प्लान्स करते हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो क्या पता क्या प्लानिंग करके चल रही होती है, हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही कुछ प्लानिंग में मैं कुछ और बनाने की कोशिश कर रही थी और मैंने बना दिया ऑरेंज केक। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जो है वो क्लिक करेगी। ऑरेंजेस का आजकल मौसम भी है तो क्यों ना आप जो है वो माल्टों का मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको जो है वो खाने का शौक़ है केक वगैरह तो उसमें भी माल्टे का इस्तेमाल करें, माल्टे के जूस का इस्तेमाल करें। तो आपने करना ये है कि 3 अंडे लेने हैं और उसमें आपने ऐड करनी है शक्कर या चीनी, और फिर आपने उसमें डालना है जो है वो मैदा शामिल करेंगे हम, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और ऑयल का शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस। जी हाँ जी, फ्रेश ऑरेंज जूस आपने निकालना है। आजकल माल्टे का सीज़न है तो माल्टे आप लेके आएँ, और इसकी जो ऑरेंज के जो छिलके हैं ना उसके भी आप जो है वो कद्दूकश करें, और आधा सा जो है वो टीस्पून आपने शामिल करना है। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर अपना बैटर शामिल कर दिया है, और इसको हमने बेक करने के लिए रखना है। अगर आपके पास जो है वो ओवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे में भी बना सकते हैं, और ये इतना मज़ेदार सा केक बनता है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा और उमदा फ्लेवर आता है। तो ज़िंदगी के इन मज़ों के साथ इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खाएं पिएं मौज बनाएं और विंटर को भी कवर हो के गुजारें, क्योंकि सर्दियां जो हैं वो आती तो हैं लेकिन अपने साथ साथ जो जो बीमारियां लेके आती हैं ना हमने उसका भी ख्याल रखना है। तो अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ खुदारा इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, हाँ मेरा भला हो जाएगा अगर आप देख लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसके शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।